आप अंदाजा लगाओ अछूत व्यवस्था कितने चरम सीमा पे आज भी अगर हम देखते हैं तो आज भी हमें वो व्यवस्था को झेलना पड़ता है कभी कभार। पर उस टाइम बाबा साहब के जमाने में कितना बुरा हाल था उस व्यवस्था का, पर फिर भी उस चीज से डिगे नहीं। वो सबसे संसार का सबसे बड़ा शिक्षित बंदा अगर था तो वो बाबा साहब थे। तो उन्होंने एक प्रेरणा उससे उनके जीवन से अगर हम ले सकते हैं वो ये है कि बना सकते हैं, क्योंकि ऐसी एक्ट की तरह भी पहले मैंने न्यूज में सुना था कि भी खत्म कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हो गया ना तो ये हमारा शोषण करना वापस स्टार्टिंग हो जाएगा। और बाबा साहब ने हमारा जीने का अधिकार दिया है और बैठने का, सोचने का अपने पास इतने अधिकार है, तो अपन उस अधिकार के लिए ही अपन जी रहे हैं। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो बाबा साहब की देन की वजह खड़ी हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने हमें इतना कुछ बना दिया, पढ़ने के लिए अधिकार दे दिया, लिखने के लिए। आज मैं एक जॉब कर रही हूँ, बाबा साहब की देन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सच्चे सिपाहियों ने संघर्ष किया और उस संघर्ष के परिणाम स्वरूप उनके खिलाफ FIR भी हुई, उनको गिरफ्तार भी किया गया और माननीय अदालत में आज मुकदमा जो है ना गवाहियों पे चल रहा है। 22 अप्रैल आगामी उसकी तारीख है। और साथियों, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 128वें जन्मदिन पर आज जो स्टैचू हमने यहाँ पे रखी है तो इसका भी आप सभी जो है यानी कि आप सभी का योगदान है। तो साथियों, मैं ज़्यादा कुछ ना बोलता हुआ, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू है और किसी पे कटाक्ष भी हम नहीं करना चाहते। साथियों, अगर मैं आगे से ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति हमारे समाज में जन्मे संतों महापुरुषों को अगर इस प्रकार से उनके स्टैचू को या किसी भी तरीके से अगर कोई भी खंडित करने का काम करेगा, कोई भी हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम करेगा, तो हम कभी भी टस से मस नहीं होंगे। हम इसी प्रकार से संघर्ष करके और हम उनके खिलाफ पहले तो कानूनी कार्रवाई करेंगे, अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो हम सड़कों पर आएंगे, हम आंदोलन करेंगे। साथियों, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 128वां जन्मदिन है और सभी युवा साथी, नौजवान साथी, आज जो भी पदाधिकारी है, विभिन्न पार्टीज के हैं या संगठन के हैं, हमारे समाज से हैं, तो साथियों हम फोटो तो बाबा साहब के साथ खिंचवा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब का जो सच्चा मिशन है हम उसको ना भूलें। बाबा साहब का सच्चा मिशन था भी जो गरीब, दलित, पिछड़ा, जिसको अपने हकों अधिकारों से वंचित रखा गया, उनको वो हक अधिकार मिलना चाहिए। सबसे पहला दिया राइट टू वोट, इनको वोट का अधिकार होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। तो साथियों, ये तमाम राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें जो है भारत के संविधान के तहत दिया। और आज के बाद यहाँ से प्रण लेकर के जाए कि जो संविधान को खत्म करने का अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर आप बाबा साहब के सच्चे सिपाही हैं तो आने वाले 2019 का चुनाव है उसमें सबक सिखा दो, जो अल्टीमेटम देना चाहते हैं अभी हम संविधान को खत्म कर देंगे। हम अगर सच्चे सिपाही हैं तो संविधान की रक्षा करें और संविधान की रक्षा प्रजातांत्रिक जो ये देश है हमारा, इसमें वोट की पावर से होती है। तो साथियों, ज़्यादा ना कुछ कहता हुआ, आप अगर बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, आपके अगर जरा सी भी बाबा साहब की यानी कि भक्ति दिल में है, तो आप संविधान को किसी भी कीमत पर नष्ट ना होने दें। संविधान की रक्षा करना हमारा प्राथमिक जो है कर्तव्य है। अगर संविधान खत्म कर दिया तो पहले वाली कौन सी व्यवस्था लागू हो जाएगी? मनु व्यवस्था। साथियों, गढ़ में आंडी और पीठ पर झाड़ू, वो वाली व्यवस्था याद करो बुजुर्गों की, वो लागू हो जाएगी। और ये इनडायरेक्ट तरीके से कर भी रहे हैं, पहले रिजर्वेशन खत्म किया, उसके बाद अब देख लो आप 13 रोस्टर पॉइंट सिस्टम और धीरे धीरे करके स्लो पॉइजन दे करके, मीठा जहर दे करके
ये हमारे संविधान को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। 2 अप्रैल को आंदोलन हुआ, किसको लेके हुआ? SC ST को, एक्ट को इन्होंने खत्म किया, लेकिन वो तो हमारे बाबा साहब के सच्चे सिपाहियों ने 2 अप्रैल को संघर्ष करके इनकी जो आंखें हैं वो खोल दी। नहीं तो साथियों ये संभव नहीं हो सकता था, ये संघर्ष ही इसका परिणाम है। तो मैं यही चाहता हूं भी इस जन्मदिन बाबा साहब के 128वें जन्मदिन पर आप यही प्रण लेके जाएं, अगर आप बाबा साहब के सच्चे सिपाही हैं तो उन गद्दारों से सावधान रहे जो चुनाव में आकर के आपको यानी कि बड़ी बड़ी बातें सुना करके आपका वोट जो है ना जिया ले जाते हैं।